हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपने इस पुराने हो चुके दर्पण की काया पलट करने वाले हैं। यह दर्पण बहुत समय पहले मेरी माताश्री ने बनवाया था, क्योंकि उनकी जो शादी का दर्पण था वो हमने तोड़ तोड़ कर दिया था, बिल्कुल ख़राब। आजकल मेरे घर में चल रहा है शादी का काम, तो जो अब ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा बचा हुआ पेंट भी रखा था इसको, मैंने सोचा कि इसकी साज सज्जा के लिए काम आएगा, तो मैंने ले लिया एक पेंट का डब्बा और अब इसकी काया पलट करते हैं शुरू। तो ये दर्पण मैंने कर लिया है पूरा खाली और हम इसकी कर देंगे अच्छे से क्लीनिंग। ये इतना पुराना हो गया है कि आप देख सकते हैं इसमें कैसे सीलन लगी हुई है, सारे में सारा खराब हो गया है। इश्क ने तेरे इश्क ने, इश्क ने तेरे इश्क ने, इश्क ने तेरे इश्क ने, इश्क करना है, खुद ही बनाना होता है, सब कुछ खुद से ही करती हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है ग्रीन के साथ स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं, इसे थोड़ा सा और पेंट कर लेते हैं, देखते हैं कैसी लगेगी। चरण हमने इसका कर दिया है, अब इसके अंदर का भी पेंट बाकी है, तो अंदर का पेंट भी शुरू हो गया है। करता हूँ मैं रात भर बस तुझे याद, करता हूँ मैं रात भर, इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। साथियों, जब तक ये मेरा श्रृंगार दर्पण सूख रहा है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि मेरा जो ये श्रृंगार दर्पण है इसे आगे से आगे लोग देख सकें। और अगर किसी का भी श्रृंगार दर्पण ऐसा हो रखा हो, उसकी दुर्दशा ऐसी हो रखी हो जैसी इसकी थी, तो वो इसको डेकोरेट कर सके, इसको अच्छे से सुव्यवस्थित कर सके। आहिस्ता आहिस्ता साथिया हो, तूने कोई जादू है किया।